भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हीरानगर सेक्टर से सटे जांडी इलाके में प्राचीन किले वाले मंदिर पर ग्रेनेड हमले से दहशत फैल गई है। हमले में आतंकी अपना निशाना चूक गए। किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी जगह जगह नाकेबंदी कर दी गई है। पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। एसएसपी कठुआ शीलेंद्र मिश्रा ने ये जानकारी साझा की है। यूटी जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए प्रदेश में स्कूल और कॉलेजों को 31 जनवरी 2021 तक बंद रखने के निर्देश जारी हो गए हैं। कोरोना रोकथाम के लिए पहले से लागू दिशा निर्देशों की मियाद को प्रशासन ने बढ़ा दिया है। जम्मू संभाग में पिछले दिनों हुई बर्फबारी और बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में ही नहीं मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शाम ढलते ही कोहरा छा जाता है। जम्मू की सुबह घने कोहरे के बीच होती है। काम पर आने जाने वालों को कोहरे से बड़ी मुसीबत पेश आ रही है। भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली और कटरा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 1 जनवरी से फिर से बहाल करने का आदेश जारी किया है। रेलवे मंत्रालय ने घोषणा के बाद जम्मू और कटरा के व्यापारियों और लोगों में खुशी की लहर है। वहीं लोगों ने बाकी बंद ट्रेनों को भी जल्द बहाल करने की मांग रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 34वें प्रगति बैठक में अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने 7 मंत्रालयों से संबंधित 11 अहम प्रोजेक्टों की समीक्षा की। इसमें जम्मू कश्मीर में बन रहे अहम रेलवे लिंक प्रोजेक्ट उधमपुर बारामूला की समीक्षा भी की गई। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2022 तक ये रेलवे लिंक प्रोजेक्ट पूरा किया जाए। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में नए साल के जश्न को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने देश की राजधानी दिल्ली में रात का कर्फ्यू लगा दिया है। ये आज 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। किसी को भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं दी गई है। देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,821 नए मामले सामने आए, तो वहीं 299 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद पूरे देश भर में कोरोना वायरस की संख्या बढ़कर 1,02,66,674 हो गई है, तो वहीं अब तक 1,48,738 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखी। एम्स को 201 एकड़ में 1,195 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। ये 750 बिस्तर वाला अस्पताल होगा। वहीं उन्होंने कोरोना को लेकर कहा कि दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि दवाई भी है और कड़ाई भी है। वर्ष 2021 के लिए हमारा मंत्र है दवाई भी और कड़ाई भी। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। सरकार के साथ बातचीत के बाद ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि किसान अपना नया साल घर पर मनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार और किसानों के बीच 4 मुद्दों पर सरकार 2 पर सहमत हो गई है। बाकी 2 मुद्दों पर 4 जनवरी को बैठक होनी है। इससे उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार ने फास्टैग की डेडलाइन को लेकर वाहन मालिकों को थोड़ी राहत दी है। अब देश भर में सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग की डेडलाइन 15 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है।